वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस लाया था क्वांटिटी सर्वेयर के लिए, तो इस वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए आपके लिए जो आपके लिए इंटरव्यू में आप फेस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, सबसे पहले यहां पूछा गया है कि साइज ऑफ कॉन्क्रीट टेस्टिंग क्यूब, जो आप टेस्टिंग क्यूब प्रिपेयर करते हैं साइट में, जो आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब आप कॉन्क्रीटिंग वर्क कराते हैं वहां पे आप लोगों को कॉन्क्रीट क्यूब्स प्रिपेयर करना होता है, जिसके लिए हमारा जो स्टैंडर्ड साइज होता है क्यूब का वो होता है 150 × 150 × 150 mm। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हम लोग क्यूब टेस्ट कराते हैं वो उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो कॉन्क्रीट क्यूब इज फिल्ड इन, तो कॉन्क्रीट क्यूब जो आप प्रिपेयर करेंगे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने साइट में कॉन्क्रीटिंग वर्क स्टार्ट करा रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को क्यूब्स को प्रिपेयर करना होता है। क्यूब्स प्रिपेयर करने के लिए जो आप उसमें कॉन्क्रीट फिल करेंगे उसको आपको 3 layers में विथ प्रॉपर टैंपिंग रॉड के साथ फिल करवाना है। थर्ड क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरसीसी होता है आप लोगों का रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मतलब कि एक नॉर्मल अगर मैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के कंपोनेंट्स की बात करूं तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट विथ एन इंक्लूजन ऑफ स्टील इन इट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कंक्रीट होता है हमारा वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है बट टेंशन में वो वीक होता है, उस टेंसाइल स्ट्रेस से झेलने के लिए उसमें स्टील इंड्यूस किया जाता है ताकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करी जा सके। तो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी होता है आपको 25 kN/m³। वैसे ही अगर मैं यूनिट वेट ऑफ पीसीसी की बात करूं तो पीसीसी होता है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें आपका रिइंफोर्समेंट नहीं होता, जिसको आप जनरली फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं उस टाइप के कंक्रीट को बोलते हैं हम लोग पीसीसी, जिसमें सिर्फ सीमेंट सैंड और एग्रीगेट होता है। अगर इसके यूनिट वेट की बात करें तो वो होता है आपका 24 kN/m³। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द थिकनेस फॉर डीपीसी, जैसे कि डीपीसी जो होता है आपका वो होता है डैम प्रूफ कोर्स, जनरली हम लोग इसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसमें जो भी कैपिलरी एक्शंस के थ्रू जो वाटर मूवमेंट हो रही है उसके कारण जो सीपेज प्रॉब्लम होती है उस सीपेज को प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी जो हम लोग थिकनेस लेते हैं वो कम से कम लेते हैं आपकी 50 mm, जैसे कि आप यहां डायग्राम पे देख पा रहे हैं कि यहां डीपीसी प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेपरेशन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कॉन्क्रीट इज नोन एज सेग्रीगेशन। आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सेग्रीगेशन क्या होता है। जनरली सेग्रीगेशन आपका ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी हो सकता है, मतलब कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो ट्रांजिट मिक्सर यूज करते हैं, ट्रांजिट मिक्सर में हम लोग एक अमाउंट में जिप्सम ऐड करते हैं ताकि उसकी सेटिंग टाइम को बढ़ा सके। उसके साथ में ही आपको यह ध्यान रखना है कि जो फाइन और कोर्स एग्रीगेट है वाइल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट उसमें सेग्रीगेशन की प्रॉपर्टी ना है। दूसरी चीज हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जब हम लोग कॉन्क्रीटिंग करा रहे होते हैं तो उसकी जो हाइट होगी कॉन्क्रीटिंग की वो 1.5 meter से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5 meter के ऊपर से अगर आप कॉन्क्रीट को प्लेस करते हैं तो भी उसमें कॉन्क्रीट में सेग्रीगेशन की प्रॉपर्टी आ सकती है। सेग्रीगेशन इज द प्रॉपर्टी इन विच फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि आप यहां वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहां जो कॉन्क्रीट हमने करवाया है वहां पे आप देख पा रहे हैं कि फिनिशिंग बेकार हो गई, उसके साथ साथ में जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट है उनका भी सेपरेशन हो गया।
Which IS code gives details regarding water to be used in concrete? जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हम लोग कॉन्क्रीट मिक्स करवाते हैं उसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट को उनके मिक्स रेशियोज के अकॉर्डिंगली डालते हैं, जो हम लोग उसमें वाटर ऐड करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं वो जनरली हम लोग निकालते हैं वाटर सीमेंट रेशियो की हेल्प से, जिसमें आपके नंबर ऑफ बैग्स और उनका वेट शामिल होता है, जिसके कारण हम उसकी वाटर की वॉल्यूम निकाल पाते हैं। उस चीज का स्पेसिफिकेशन आपको IS 456:2000 में मिल जाएगा, तो यहां से IS 456 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर टू बी यूज्ड इन कॉन्क्रीट मस्ट हैव अ पीएच वैल्यू ऑफ, जैसे कि हम लोग कोई भी कॉन्क्रीटिंग कराते हैं तो जैसे अभी हम लोग ने बात किया कि हम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऐड करना रहता है उसको वाटर का पीएच कितना होना चाहिए, तो पीएच होना चाहिए आपका 6-8.5 के बीच में। जैसे कि आप यहां टेबल में देख पा रहे हैं कि हम लोग को जो वाटर यूज करना है कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए वो आपका 6-8.5 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज मेजर्ड एट। आप लोगों को पता है कि हम लोग जो मिक्स रेशियोज लेते हैं, सपोज अगर मैं M25 बोलूं तो यहां पे जो M है वो मिक्स को डिनोट करेगा, जो 25 है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज बाद। तो वही चीज यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज मेजर्ड एट 28 डेज, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जो कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेते हैं कॉन्क्रीट की वो आप 28 डेज बाद चेक करते हैं, जितना आपका मिक्स होना चाहिए उतनी ही आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए। तो इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोगों ने देखा क्वांटिटी सर्वेयर के लिए। तो क्वांटिटी सर्वेयर के लिए जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जो बेसिक रोल्स होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको एक अच्छा क्वांटिटी सर्वेयर बनना है तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पूरे बिल्डिंग का एस्टीमेशन आना चाहिए। एस्टीमेशन के साथ साथ में आप जो बार बेंडिंग शेड्यूल जो सॉल्व करते हैं हम लोग स्टील के लिए वो भी आपको आना चाहिए, ताकि हम उसमें वेस्टेज को कंट्रोल कर सके और उसका भी रेट एनालिसिस कर सके। और क्वांटिटी सर्वेइंग क्यों जरूरी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को कहीं पे स्लैब कास्टिंग करवानी है तो स्लैब कास्टिंग जो होती है वो एक ही दिन में होती है, तो वहां पे मेरे को एग्जैक्ट क्वांटिटीज चाहिए सीमेंट एंड एग्रीगेट की, ताकि मैं जब वहां पे स्लैब कास्टिंग कराऊं तो वहां पे उसके कारण कोई भी डिले ना हो मटेरियल के लिए। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए ही एक क्वांटिटी सर्वेयर का रोल आता है कि वहां पे वो एग्जैक्ट क्वांटिटीज निकाल के दे स्लैब के लिए कि कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। तो वहां पे आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज अ क्वांटिटी सर्वेयर। अगर आपको ये सब चीजें सीखनी, अगर आपको जानना है कि क्वांटिटी सर्वेयर कैसे बने, तो अभी जाके सर्च करिए www.civilguruji.com पे, जहां पे हम जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे आप लोगों को पूरे बिल्डिंग का एस्टिमेशन, BBS, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, पूरी चीजें बताई जाएगी। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। हमारा ऐप भी लॉन्च हो गया है प्ले स्टोर में, जो कि आप जाके सर्च कर सकते हैं सिविल गुरुजी, जहां पे आपको वो प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.civilguruji.com पे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं दोस्तों, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए ही हम, जो गैप है एक इंजीनियर और एक जॉब के बीच में, उस गैप को फिल करने के लिए ही सिविल गुरुजी लगातार काम कर रहा है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं उसके लिए आप जस्ट विजिट करिए www.civilguruji.com पे। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।